नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। दिल्ली में दिवाली की रात से हवा खतरनाक हो गई है, चारों ओर धुंध देखी जा सकती है। गुरुवार को जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इसकी एक बड़ी वजह पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन भी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर तय समय से पहले और बाद में भी दिल्ली NCR में लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, इससे हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर 999, अमेरिकी राज दूतावास चाणक्यपुरी में 459 और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एक्वायर 999 रहा। प्रदूषण का यह स्तर खतरनाक श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में लोगों ने रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई समय सीमा का उल्लंघन किया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली और अन्य त्योहारों के मौके पर रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ने की इजाज़त दी थी। कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की इजाज़त दी थी। ग्रीन पटाखों से कम प्रकाश और आवाज़ निकलती है और इसमें कम हानिकारक केमिकल होते हैं। कोर्ट ने पुलिस से इस बात को तय करने को कहा था कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री नहीं हो और किसी भी उल्लंघन की दिशा में संबंधित थाना के SHO को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और यह कोर्ट की अवमानना होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों से उल्लंघन किए जाने की खबरें मिली हैं। शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।